उसके बावजूद तुमने कपड़े नहीं धोए। तो बताया था मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निमरा, ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं। सारा दिन तो तुम मोबाइल में लगी रहती हो। तो कोई और शर्ट पहन के चले जाओ। मैं क्यों कोई और शर्ट पहनूं? वो मेरी फेवरेट शर्ट है। तो अब क्या करूं? शर्ट दे दो, मैं धो देती हूं। अब कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान। क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। चाय बनानी आ गई तुम्हें? बीवी ने ये भी सिखा दिया, तो बैठो मैं चाय लाता हूँ। शर्ट में बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं बना लूंगा। तुम्हें पता है इस चाय बनाने पर मेरी और निमरा की अक्सर लड़ाई हो जाती थी। निमरा प्लीज एक कप चाय जल्दी से पिला दो। बस 10 मिनट में एपिसोड खत्म होने वाला है, फिर मैं आपको चाय बना देती हूँ। कम ऑन निमरा, बाहर निकलो इन सोप सीरियल की दुनिया से। कुछ नहीं रखा है इनमें। इसकी बीवी उसके साथ, उसका शौहर उसके साथ, सास को बहू नहीं पसंद, बहू को नंद नहीं पसंद। यू नो दिस इज सो इरिटेटिंग। इन्हीं ड्रामों ने घर की औरतों के दिमाग खराब कर रखे हैं। क्या मतलब है दिमाग खराब कर रखे? मतलब ये कि मैंने तुम्हें एक कप चाय बनाने को कहा और तुमने साफ इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया, सिर्फ 10 मिनट इंतजार करने को कहा है। क्योंकि तुम्हारा ये स्टूपिड सा ड्रामा मेरी चाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो सारी रात फुटबॉल मैच देखते हैं, मैंने कभी आपको कुछ कहा? इनफैक्ट मुझे नींद भी आ रही होती है, लेकिन कभी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ओह आई सी, अब तुम्हें मेरे फुटबॉल मैच देखने पर भी एतराज है। ये आप हमेशा लड़ने के मूड में क्यों होते हैं? क्योंकि तुम लड़ाई का बहाना देती हो। अब आप जानबूझकर बात बढ़ा रहे हैं। बात तो बढ़ चुकी है अब। क्या मसला है? एक चाय के पीछे इतना तमाशा खड़ा कर दिया आपने। बना लाती हूँ चाय। बैठो, नहीं पीनी मुझे चाय। देखो तुम अपना ड्रामा। बस एक चाय ना बनाने पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया तुमने। यानी कि तुम्हें भी मैं ही गलत लग रहा हूँ? ऑफ कोर्स, यही तो कहा था उसने कि 10 मिनट वेट कर लो। इसमें कौन सी कयामत आ गई थी? मियां बीवी तो एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। हेलो, क्या फारूक, आप किचन में क्या कर रहे हैं? नो नो प्लीज फारूक, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। फरोख, अच्छा बाबा जो दिल करे बना ले। ओके लाफिस। एक मिनट, तुम्हारा शोर खाना भी बना लेता है? हाँ। यानी कि तुमने एक बावर्ची से शादी की है? बावर्ची था नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत में बन गया। शादी से पहले तो उन्हें अंडा भी बॉईल करना नहीं आता था, और अब तरह तरह के खाने बना लेते हैं, और ये सब उन्होंने मुझसे सीखा है। क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों क्यों जरूरत नहीं थी भाई? अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मियां बीवी ही तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। मगर ये बात तुम नहीं समझोगे।